ओम शांति। 27/5/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवास आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवास कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है, और भी सबके अपने अपने संवत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5,000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं, विक्रम संवत दिखाते हैं? बाकी विक्रमा जीत संवत कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5,000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी को 5,000 वर्ष हुआ और 3,750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनायस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2,500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2,000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो, अशोक पिल्लर कहते हैं, द्वापर में अशोक, शोक रहित तो कोई है नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है, शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं।
मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो यह बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे, नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं थी, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो यह पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, यह समझाना है। वे अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैलवेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं फिर भी सृष्टि तो तमोप्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं, वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहां कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी, हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। यह देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं,
बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोलें। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है, वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, ना अल्पकाल के सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके, 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यह तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मनमना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मातन में आकर सुनाते हैं, किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं, 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है, यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की कथा, कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं, बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं, समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह है झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए, एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू इज्जत गवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं, ठौर बताने वाला तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मोह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं, ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए।
ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाओ।